नमस्कार, मैं रजत रॉय, एक्टर्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैठा हुआ हूँ शफीक भाई के पास, जो मेरे काफी पुराने मित्र हैं। और शफीक भाई के बारे में बता दूं, हालांकि ये खुद ही बताएंगे, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन्होंने कई सारे सीरियल्स किए हैं, कई सारे फिल्म्स किए हैं बॉलीवुड के लिए। कुछ फिल्में तो मुझे याद है जो ये जो अक्षय कुमार साहब के साथ किया था, राउडी राठौर, फिर थ्री इडियट्स में जो डॉक्टर का कैरेक्टर थे, तो विक्ट्री में ये डॉक्टर बने हुए थे। ऐसे कई सारे फिल्में और कई सारे सीरियल्स किए हैं। सबसे पहले शफीक भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी फिल्में और कौन कौन सी सीरियल किए हैं, जो मेन मेन है ये जरा बताइए। जैसे आपने पहले ही कहा कि रौडी राठौर है और बबल गम, एक पुचू की फिल्म आई थी, अच्छा। मेरा रोल था, अच्छा। और विक्ट्री, अच्छा। और एक फिल्म कुछ करिए के नाम से आई थी, अच्छा। और सीरियल कितनी मोहब्बत है, बेटा दिल की तमन्ना है, ज्योति, काफी सारी, और ऐड किए। हाँ, ज्योति मुझे याद है, ज्योति सीरियल क्या था, सीआईडी वगैरह में तो कई सारे एपिसोड किए आपने, बहुत एपिसोड, बहुत सीआईडी और हादसा, हादसा, हाँ, जो एक एक दो दो एपिसोड के आते थे। आज का जो आपसे डिस्कशन है, मैं जरा एस्पायरिंग आर्टिस्टों के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जो बच्चे नए निकल रहे हैं या नए आना चाहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आप कश्मीर में हैं, यहाँ से बॉलीवुड तक का सफर आपने कैसे तय किया, और इससे जो नए आर्टिस्ट हैं, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, इनको क्या फायदा हो सकता है, जो फायदे वाली चीज है उनके लिए, वो जरा बताइए। मेरी बात तो अलग है, क्योंकि मैं एक काफ़ी यहाँ पे सर्विस करके गया, अच्छा, थिएटर्स वगैरह करके, थिएटर करके गया, जॉब करके गया। मेरा जॉब भी कल्चरल फील्ड का ही था, अच्छा। तो वहाँ भी म्यूजिक, ड्रामा, डांस, यही चीज़ें होती थी। वो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, अच्छा। यहाँ पे काम करके उसके बाद में बॉम्बे गया, अच्छा। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन फिर भी लोग थिएटर करके, या फिर कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग भी मैंने देखा है जो जाते हैं, लेकिन सालों भटकते रहते हैं। तो आप वहाँ जाके फिर नए लोगों को कैसे तलाश कर लिया? इसमें शायद कुछ मुकद्दर भी था, किस्मत भी थी, अच्छा। लक भी, लक ने फेवर किया, अच्छा। कि मैं गया वहाँ पे, अच्छा। तो तब फोटो वगैरह खींचे, अच्छा। तो आजकल इंसान इजीली फोटो भेज सकता है, एक दूसरे को मेल कर सकता है। तो मेरा वहाँ पे भांजा ऑलरेडी था वहाँ पे, साहिल नाम का, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसने मुझे मिलाया कुछ कोऑर्डिनेटर से, अच्छा। तो नौवे ही दिन मुझे कॉल आ गई, नाइन्थ डे मतलब जिस दिन पहुंची है उसके नौवे दिन। तो किस्मत की बात हो गई। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं या जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनके इतना किस्मत नहीं रहता। पहला तो वो घर से निकलना ही नहीं चाहते। वजह ये है ना, मैंने यही कहा कि मैं एक अपनी जवानी पास करके मैं वहाँ गया, अच्छा। तो लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, अच्छा, वो तो टीनेजर होते हैं या 20+ होते हैं, अच्छा, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होती है, अच्छा। अब किसी ने थोड़ा बहुत थिएटर कर लिया, और कुछ लोगों को घर वाले बोलते हैं अरे तू तो हीरो है, कुछ लोगों को अपने दोस्त बोलते हैं अरे तू तो हीरो है, तो उनके जहन में बन जाता है लुक से, जो कि हारे मैं तो हीरो हूँ। फिर चाहे उसे कुछ आता हो ना आता हो, वो चाहे चोरी चकारी करके, चाहे घर वालों से पैसा लेके, कुछ भी करके बॉम्बे पहुंच जाता है कि मैं हीरो बन जाऊंगा, अच्छा। तो वैसा होता नहीं है। लेकिन एस्पायरिंग आर्टिस्टों को अधिकतर मैंने देखा, अधिकतर लोग बोलते हैं कि मुझे तो एक्टिंग आती है, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे काम दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी कास्टिंग करता रहता हूँ। लेकिन मैं, मुझे पता है उसका आंसर, फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। अपने बारे में तो हर कोई तारीफ करता है, अच्छा। लेकिन दूसरा तारीफ करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि मैं एक्टर हूँ, अच्छा। मुझे लगता है मैं एक्टर हूँ, लेकिन आपको लगना चाहिए क्योंकि आपको, अच्छा, मेरी जरूरत है, आप मुझे फिल्म मिलेंगे, आपने मुझे रोल देना है, तो वो दूसरा इंप्रेस होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये एक्टर है, इसमें कुछ टैलेंट है, वो चीज होनी चाहिए। तो वो चीज सीखने के लिए बॉम्बे जाके भी कई लोग वहाँ पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें भी देखना होता है कि जिसके पास आप जा रहे हो उसने खुद कितना काम किया है, उसने कितने लोगों को तैयार किया है, उस एकेडमी से कितने लोग निकल के बाहर काम कर चुके हैं। अब जो भी नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, अगर वो बॉम्बे जाते हैं, तो उनको ये देखना है कि इस एकेडमी में या इस सर के पास मैं जा रहा हूँ, तो इसने पहले कितने लोगों को सिखाया है, वो कहाँ पहुंचे हैं, उनको कुछ काम मिला है नहीं मिला है, क्या किया है, वो चीज ध्यान में रखनी होती है। आजकल कई बच्चे होते हैं जिनको ना सुर का पता होता है ना ताल का, वो भी कुछ ना कुछ गा देते हैं यूट्यूब पे, तो उनके फ्रेंड्स उनको कमेंट्स करते हैं, तो उनको लगता है हम तो बाकी बड़े सिंगर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बिल्कुल। तो यूट्यूब, फेसबुक के तो सब जुड़ा होता है। सही बात है। तो कहाँ से एग्जैक्ट शुरू करना चाहिए? सोचिए, मैं हूँ, मैं नया आर्टिस्ट हूँ और मैं कश्मीर में रहता हूँ, क्या करूं मैं यहाँ से? क्या ऑनलाइन क्लासेस लूं, या वहां जाऊं, या वहां जाके कुछ क्लास लूं, या थिएटर करूं,
या फिर मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउसेज में जाना चाहूंगा? और कौन सही है कौन गलत है ये भी नहीं पता चलता, कितने लोग फ्रॉड के चक्कर में फंसे। अब कोई दूर से जा रहा है ना यहाँ पे, कश्मीर से, कश्मीर वालों को बड़ा मुश्किल होता है ये बम्बई जाना, ये दिल्ली भी, क्योंकि यहाँ से ट्रेन तो जाती नहीं है, बाकी स्टेट से ट्रेन जाती है, वो रात को शाम को सोते हैं ट्रेन में, सुबह उठ के बम्बई या दिल्ली पहुंच गए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात होती है यहाँ से पहले जम्मू पहुंच, जम्मू पहुंच तो बाय रोड जाओ या फिर अगर बाय जाओ, तो जब बाहर कोई जाएगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा, बच्चा होगा छोटा जा रहा है स्ट्रगल करने के लिए, तो घर वाले बाहर कहाँ भेजेंगे उसको। सही बात, तो इसलिए बेहतर है सबसे पहले आप अगर स्कूल में है तो स्कूल में एक्टिंग करो, कॉलेज में है तो कॉलेज प्लेस में काम करो, और कश्मीर में जो भी जो थिएटर ग्रुप्स हैं थिएटर ज्वाइन करो, क्योंकि थिएटर मेरे लिहाज से एक सबसे बड़ा क्लास, सबसे बड़ा स्कूल थिएटर है। कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर कैसे समझेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे कैरेक्टर अपने आप में, तो वो चीजें इंसान सीख लेता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टेज पे काम करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और जहाँ थिएटर ना हो, जहाँ पे थिएटर ना हो तो वहाँ पे वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। पहले मतलब बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, पहले नहीं, पहले बॉम्बे में जाएंगे, पहले घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें और देखें कि उससे कुछ बदलाव आ रहा है उनमें, कुछ फायदा हो रहा है उनमें, वो क्या कुछ सीख रहे हैं। तो उसके बाद अगर वो बॉम्बे जाके फिर एक छोटा सा कोर्स कर लें कोई महीने दो महीने तीन महीने का, तो वो ठीक रहेगा, उनका काम मिल सकता है उन लोगों को। अच्छा, फिर भी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मैं सबके बारे में बात करता हूँ लेकिन हम छोटे बच्चों लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे की काफी रिक्वायरमेंट होती है बॉलीवुड में, तो बच्चे कैसे शुरू करें? क्योंकि हमें, मैं कास्टिंग करता हूँ लगातार, मुझे बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ ठीक से, क्योंकि पता नहीं चलता कैसे वो बच्चे को वो किया जाए, उसको ट्रेन करना, फिर उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना, ऐसा रहता है। तो बच्चों के लिए जरा बता दीजिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चे से एक्टिंग करवानी मुझे लगता है सबसे आसान है। सबसे आसान है, क्योंकि एक कोरा कागज होता है, उसमें जो लिखोगे वो लिखा जाता है। और एक बात है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेहतर रहेगी शुरू में। अच्छा। क्योंकि बच्चे को, अब अगर कश्मीर का कोई बच्चा है वो कहाँ जाएगा क्लास रन करने बॉम्बे या दिल्ली वगैरह, यहाँ की स्कूलिंग होती है, पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। मतलब उनके पेरेंट के साथ बैठ के ही उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऑनलाइन उनको समझ में नहीं आएगी, तो पेरेंट्स को भी साथ में बैठना पड़ेगा, उनको बैठना पड़ेगा और याद करके वो देखेंगे कि वो क्या सिखला रहे थे और हमारे बच्चे ने कितना सीखा, तो खुद भी उनको उसमें देखना है कि बिल्कुल क्या बदलाव आया इसमें, क्या इसे कुछ सीखा, फिर उनके सामने जो एक्टिंग करनी है उसको बोलना बच्चे आप ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, तो वैसे फिर उनको क्या शिफ्ट कर जाना पड़ेगा मुंबई, या वहां से भी कुछ ऑडिशन आने दीजिए, कुछ वो क्लिक करता है फिर जाए ऐसा? क्योंकि मैंने भी कई सारे लोगों को, मैं दूर में रहते हैं लेकिन उनको भेजा मैं मुंबई। देखिए जो जब कास्टिंग होती है किसी खास एड के लिए, तो उसमें वो बहुत परफेक्ट चीज ढूंढते हैं, जो उनको चाहिए बच्चा या जो भी लुक चाहिए वो ढूंढते हैं, तो अगर उनको कश्मीर से मिलती है तो यहाँ से भी ले जाएंगे, और उसके लिए वो अपने उनके पेरेंट्स को भी साथ लाते हैं। बिल्कुल, दो में से एक माँ या बाप उनको जा सकता है, उनको वो फ्लाइट का सब होटल सब कुछ देते हैं, तो इसलिए घर से बैठ के अगर सीख लें तो उनको चांस मिल सकता है यहाँ से। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने आज देखा कि शफीक भाई जो काफी एक्सपीरियंस है और कई सारी चीजें उन्होंने लोकल जो स्टेट लेवल में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, बॉलीवुड में तो काम करते ही हैं, और साथ में कई सारी चीज डायरेक्ट और डायरेक्शन किए हुए हैं, और कई प्रोडक्शन में साथ में थे और खुद भी प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया। तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी चीज डिसाइड करने के पहले अच्छे से सोच लीजिए और समझ लीजिए, कोई एक्सपीरियंस, हमने सुना है कि जब आपको तैरना नहीं आता जो तैर रहा है ना उसकी पूंछ पकड़ लीजिए, वो तो डूबेगा नहीं आपको भी बचा ले जाएगा। तो ध्यान में रखिए, जो भी एक्सपीरियंस है जो लगता है कि आप इनसे नॉलेज ले सकते हैं और ये आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपके साथ मिलके आपको बॉलीवुड तक पहुंचा सकते हैं, उनके साथ जुड़िए। और थैंक यू सो मच शफीक भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला इंटरव्यू कश्मीर के बारे में हम लेंगे आपसे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड।